डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर 130 दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी जयंती पर उनको माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर भाजपा महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सभी बूथों पर एक कार्यक्रम करती आ रही है। कल सायंकाल हम सब ने बाबा साहब के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके 130 दीप जला करके उनको याद किया था, और आज पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बूथों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। जब कहीं सामाजिक समरसता के कार्यक्रम, कहीं बस्तियों में कार्यक्रम कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर भी हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ आकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसमें कोरोना का प्रकोप आया हुआ है, जनता से क्या अपील करना है? इसीलिए हम लोगों ने अपील की है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, और इसमें इसका एकमात्र बचाव है कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं और कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करें।